कैसे हैं आप? मैं रामजीपाल, वो आप देख रहे हैं हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल एग्री एक्स वाई जेड। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी कैडेट का जो 2021 का सेशन था वो लगभग समाप्त हो चुका है। उसकी जो स्पेशल काउंसलिंग है शायद वो बची है, नहीं तो पूरी तरह से यूपी कैडेट 2021 का जो सेशन है वो समाप्त हो चुका है। जैसा कि जो यूपी कैडेट 2021 के कैंडिडेट थे उनके लिए मैंने जो यूपी कैडेट 2021 के स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा प्रोसेस बताया था काउंसलिंग तक। तो उसी प्रकार मैं अब यूपी कैडेट 2022 के लिए भी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप सभी को कोई परेशानी ना हो। तो जितने भी कैंडिडेट यूपी कैडेट 2022 के हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनकी यूपी कैडेट से रिलेटेड मैं वीडियो हरदम डालता रहता हूँ। ठीक, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जो भी है आप उसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंस ज़रूर रहती है। ठीक, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेट मिलता है, जिससे हमें वीडियो बनाने में एक मोटिवेट मिल जाता है। ठीक, तो आज हम यूपी कैडेट का जो 2022 का सेशन होने वाला है उसके बारे में हम फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, क्या एग्रीकल्चर वालों का जैसे 2021 में दबदबा बना है वैसे बना रहेगा 2022 में भी कि नहीं, पूरा इस प्रकार हम पूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकलेगा या और इसका एग्ज़ाम किस महीने में कंडक्ट होगा, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर लिखा है यूपी कैडेट 2022, ठीक, क्या लिखा है यूपी कैडेट 2022, ठीक, इसे हम 2022 के नाम से भी मतलब कि बोलेंगे। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि जो 2021 का सेशन था ये किस यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था, ये यूनिवर्सिटी कौन सी, तो मेरठ यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया। किसने? जो मेरठ यूनिवर्सिटी है, मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, तो उसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 2021 में। ठीक, अब जो 2022 वाला सेशन होने वाला है इसमें कंडक्ट कराएगा BUAT, कौन कंडक्ट कराया, बांदा यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, मतलब कि जो कि बांदा में है। ठीक, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा लिखा है दिस यूनिवर्सिटी इज़ कंडक्टेड बाय BUAT, ठीक, यहां पर बड़ा लिखा भी है कि बांदा यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं बांदा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब पेपर के पैटर्न कैसा पेपर बनाता है, तो अगर हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न की, तो जो बांदा यूनिवर्सिटी है उसने केवल अभी तक केवल एक ही पेपर कंडक्ट किया है, जो कि किस साल का था, 2018 का। ठीक, क्योंकि अभी जो बांदा यूनिवर्सिटी है ये हाल ही में भी खुली है, ठीक, इसलिए इसने एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है 2018 का। अगर हम 2018 के पेपर के पैटर्न की बात करें कि उसमें किस किस प्रकार के मतलब कि कैसे सवाल पूछे गए थे, तो उसमें फिजिक्स और जो केमिस्ट्री था वो थोड़ा हाई लेवल का पूछा गया था। ठीक, उससे थोड़ा जैसे कि जो मतलब कि जो नॉर्मल किताब जैसे अपने 11 और 12 में चलती हैं उससे थोड़ा हाई सवाल पूछ लिया गया था। ठीक, तो इसलिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आपको कंसेप्ट पूरे तैयार हो जाएंगे तो आपको सिलेक्शन लेने में कोई रोक नहीं सकता। ठीक, ये तो हो गई फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात। अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर जो होता है वो मॉडरेट पूछा जाता है, ना तो ज़्यादा आसान पूछा जाता है ना ही ज़्यादा कठिन पूछा जाता है। जो बांदा यूनिवर्सिटी कंडक्टर जब एग्ज़ाम कराती है तो मॉडरेट ही पूछती है। ठीक, अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ जो है वो जितने भी चाहे जो मर्जी यूनिवर्सिटी हो केवल NDUAT को छोड़कर, क्योंकि NDUAT जो है मैथ का लेवल बढ़ा देता है, और तीनों यूनिवर्सिटी जो जैसे मेरठ यूनिवर्सिटी या CSE या जो बांदा यूनिवर्सिटी है का मैथ जो होता है पूछा जाता है सेम हो पूछा जाता है, वो भी अपनी 11 वाली किताब से पूछा जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी की, बायोलॉजी भी थोड़ा मॉडरेट ही पूछा जाएगा, और अगर हम एग्रीकल्चर की मेन विषय एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ठीक, तो एग्रीकल्चर जो है वो भी मॉडरेट पूछा जाता है। ठीक, और अगर हम GK की बात करते हैं तो GK ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आप GK आप करंट देखते रहिएगा। ठीक, क्योंकि GK अगर आप नहीं करते हैं तब भी अगर आपका 180 क्वेश्चन अगर मतलब कि मैं अपना वो देखते हैं तब भी GK ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट GK अगर आप देख लेते हैं तो आपका स्कोर हाई जा सकता है। ठीक, तो ये तो होगी एग्ज़ाम के पैटर्न के, मतलब आप साफ साफ ये मतलब देख लीजिए कि जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट आने वाला है, इस बार आसान नहीं आएगी, जैसे 2021 में आसान आ गया था वैसे नहीं आने वाला। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं अब किसकी कि इसका फॉर्म रिलीज़ कब होगा, तो पहले ये देख लीजिए, देखिए अगर मैं आपको बताऊँ 2021
20 का जो सेशन था जब CSA ने एग्ज़ाम कराया था, तो एग्ज़ाम जो फॉर्म रिलीज़ हुआ था वो हुआ था 20 फरवरी को। ठीक, कब हुआ था? 20 फरवरी को। और जब 2021 में मेरठ यूनिवर्सिटी ने करवाया था तो फॉर्म रिलीज़ हुआ था 28 फरवरी को, और 1 तारीख से भरा जाने लगा था, 1 मार्च से भरा जाने लगा था फॉर्म। ठीक, तो अगर हम इस बार बात करते हैं तो शायद ऐसे ही फॉर्म आएगा जैसे कि फरवरी के लास्ट वीक तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक फॉर्म जो है वो रिलीज़ किया कर दिया जाएगा, 100% श्योर के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल भी हो गया और लिखा है एग्ज़ाम मंथ, तो पहले हम देखते हैं एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। अगर एडमिट अगर एग्ज़ाम जो है वो अगर मई में, ठीक, मैं क्या मई में कंडक्ट किया जाता, क्योंकि पहले जब कोरोना नहीं लगता था तो 16-17 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता था, बट 2 साल से कोरोना लगने के कारण जो मतलब कि एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा डिले कर दिया जाता है, वो जो अगस्त में कराया जाता है। ठीक, तो इस अगर मतलब पूर्ण आशा है कि जो एग्ज़ाम है वो इस बार मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में कराने का पूरा दावा किया जा रहा है। ठीक, अगर मतलब मई या जून में, मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब निकलेगा, वो मई के फर्स्ट वीक में निकल जाएगा आसानी से। ठीक, तो ये तो हो गया एग्ज़ाम एडमिट कार्ड की और एग्ज़ाम के मंथ की। ठीक, और अब हम बाद मेन मुद्दे बात करते हैं कि तैयारी कैसे की जाए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो इसकी तैयारी है वो आपको 11 और 12 की पूरी अपनी जो भारत प्रकाशन किताब है A to Z पूरी फुल पढ़नी होगी। ठीक, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मैं अपना मतलब व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा जिससे कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर के लिए अगर मैं आपको एक बुक प्रीफर करता हूँ जिसमें कि आपको अगर वो पढ़ लेते हैं तो आप 100% है कि एग्रीकल्चर आपका 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कहीं गए नहीं है। ठीक, उस किताब का नाम है नीम रसुंडा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई बुक की बात। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री की आप अपना 11 और 12 की जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक है थोड़ा हाई लेवल उसका कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा। ठीक, और अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी भी अपना ही किताब से पढ़ लीजिए, वो बेटर रहेगा। ठीक, तो हम बात करते हैं कि जो कौन, जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में PAG ग्रुप में कौन कौन सा पूछा जाता है, तो सबसे पहले बात आती है क्या, सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर जो कि 60 क्वेश्चन जिसके पूछे जाते हैं, मैथ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GK 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों मिलाकर 50-50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी के, बायोलॉजी के भी 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इस प्रकार दो कुल हो जाता है 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि एनी क्वेरी कमेंट बिलो द वीडियो, अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि अगर आपको परेशानी होगी तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक, तो अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपका 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें मोटिवेट मिल जाता है। ठीक, जिससे हमें वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन की तरह वो काम करता है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर भी करें जिससे कि उनको भी कोई परेशानी ना हो। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।